चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाडियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाडी। वी द पीपल संविधान की पहली प्रिंबल की पहली लाइन है, उससे हमने जो संघ बनाया है काफी टाइम से चल रहा है, 5 मई 2021 से चल रहा है ये हमारा संघ की जूम ऐप पे डेली मीटिंग होती है। तो इसमें रोज रोज ये बताया जाता है जोड़ो जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है, यही सब सुबह से शाम तक हम भी ये करते रहते हैं, लोगों से बात करते हैं कि जुड़ना है जुड़ना है। तो सब ये कहते हैं कि जोड़ना जुड़ने से होगा क्या, आप जोड़ने जुड़ने से क्या ले पाओगे। तो हम कहते हैं कि भाई पहले तुम जुड़ तो जाओ। वो कहते हैं कि तुम्हारा मोटो क्या है। हम कहते हैं कि अगर हमने आज ही मोटो बता दिया तो हमारा उद्देश्य आज ही बता दिया तो तुम उससे जुड़ोगे नहीं, तुम दूसरे काम में लग जाओगे। तो वो कहते हैं कि अब ऐसे ऐसे संगठन बहुत आए। हम कहते हैं कि भाई संगठन नहीं है ये, संघ है। बताते हैं कि बुद्ध के टाइम से पहले का है, बुद्ध को भी इसके तहत सजा मिली, उनको अपना वो नगर छोड़ के जाना पड़ा। तो उनको ये बातें समझ तो आती हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि बिना पैसे के काम होगा कैसे, बिना पैसे का काम हो नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि तुम तो बाकी, हमने ये बताया कि हम रोटी अपनी लेके जाते हैं, किराया अपना बांटते हैं, सब इकट्ठा करके रोटी खाते हैं, नीचे बैठते हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। इकट्ठा होने में पैसे की जरूरत कहाँ पे है, कहाँ पड़ती है पैसे की जरूरत। तो उनका कहने का मतलब ये है कि आप सफल नहीं हो सकते, जबकि हम ये कहते हैं कि हम 100% सफल होंगे। 100 क्या, 101% सफल होंगे। कैसे होंगे, जब हम सब जुड़ जाएंगे। मैं हम अभी अपने पोर्टल पे अभी सुधीर सर ने बताया, चींटियों का उदाहरण डेली देते हैं, मधुमक्खियों का उदाहरण देते हैं, जानवरों का उदाहरण देते हैं। तो हम कहते हैं कि भी जुड़ना और जोड़ने में आप बताओ पैसे की कहाँ जरूरत है। तो सभी, मेरा भी आप सब से, जो भी मुझे सुन रहा है जहां तक मेरी आवाज आएगी, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जुड़ना और जोड़ना ही हमारा मेन मकसद है। जब हम जुड़ जाएंगे तो हमारे सारे के सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, कोई हमारे पेट्रोसिटी नहीं होगी, सबके सब हम अपने अधिकार बचा पाएंगे और हम जैसा चाहेंगे वैसे कर पाएंगे हम। अभी शिकार और शिकारी में जो अंतर बताया सर ने, तो शिकार और शिकारी क्यों हम बार बार हम शिकारी शिकार होते रहते हैं, क्यों ना हम शिकारी बने। और जब तक हम शिकारी नहीं बनेंगे हमारे राइट नहीं बचेंगे। तो हमें आगे चल के शिकारी बनना है ना कि शिकार बनना है। और इतने सारे जो हमारे अधिकार चले गए पहले से, उन सबको हमने संविधान को 100% अपना लागू कराना है। अगर हम एक हो गए तो संविधान हमारा कहीं नहीं जाएगा, हमारा बचा रहेगा संविधान। कल 73वीं गणतंत्र दिवस है कल, तो इतने साल हो गए अब संविधान लागू हुए, कोई भी आज तक हमारा संविधान पूरा कंप्लीट लागू नहीं है, 10 से 15% ही लागू है। तो कल हम जो संविधान वो गणतंत्र दिवस मनाएंगे उसमें एक बात अच्छी होगी कि हम सब जुड़ने और जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, हो सकता है हम आने वाले टाइम में 74वां संविधान अगर गणतंत्र दिवस मनाएंगे तो हम संविधान को अच्छे से इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जा सकेंगे और अपने आने वाले टाइम में हम अपने लोगों को ये सब SC ST OBC वालों को ये बता पाएंगे कि भाई हमने जुड़ने और जोड़ने में हमने क्या पाया और क्या खोया, क्योंकि इसमें खोने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और जैसे समण संघ की जो बातें हम करते रहते हैं, तो उनमें समण संघ की बात को लेके लोगों के मन में थोड़ा ये है कि संघी, मैं एक बात अलग से मतलब सबको पता भी है लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ पोर्टल पे कि वो संघी बोलते हैं कि संघी तो भाई RSS वाले हैं। तो हम कहते हैं कि संघ अपना था, अपना ये संघ इन्होंने अडोप्ट कर रखा, एक तरह के कैप्चर कर रखा, हम इस संघ को अपना उससे भी बड़ा छोटी लाइन के साथ अगर हम बड़ी लाइन खींच देंगे हम तो उसको हम अपना कर पाएंगे। तो हम उसको एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे भगवा कपड़े हैं, ये भगवा कपड़े बुद्ध के थे, भिक्षुओं के थे, ये देखो इन्होंने अपना लिया, ये कमल का फूल है, ये हमारा था, ये तथागत का था, इन्होंने अपना सिंबल बना लिया। तो बहुत सारी चीजें हम अपनी बताते हैं, ये लाट है जो जो उस मोर लगती है ये हमारी है, तो हम बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो वो बाद में निकल के क्या आता है, वो ये कहते हैं कि भाई तुम तो कल के हो, हम इतनी बड़ी उम्र के हैं, तुम हमें समझा रहे हो। तो मैं ये कहती हूँ, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने कहा आप कोई MBBS MD डॉक्टर कोई स्पेशलिस्ट होता है, आप उसके पास जाते हो कि कहते हो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप ये वो तो उससे आपसे छोटी उम्र का होता है बहुत कम। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप हम आपके समाज के MBBS MD डॉक्टर समझ लो आप हमें, तो उस बात पे उनको थोड़ा सा खींच भी होती है कि उनको लगता है कि नहीं नहीं ये तो भाई थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम आपसे छोटे ही सही, लेकिन आप हमारी
एक स्पेशलिस्ट के तौर पे ही थोड़े दिन के लिए आप बात मान के देख लो, जूम ऐप आओ जुड़ो, तो कहते ये बात तो सही है लेकिन पैसे के बिना काम नहीं होगा। हमने कहा पैसे के बिना ही काम करके दिखाएंगे, हमारा जो संघ है उसमें ना कोई सदस्यता है, आप जन्मजात सदस्य हो, कोई पैसा नहीं लिया दिया जाता, अगर कोई पैसा लेता है तो वो फ्रॉड है। आने वाले टाइम में पैसा अगर कोई आपसे ये संघ के नाम से, समण संघ के नाम से पैसा मांगता है सदस्यता के नाम पे, तो आप हमें कॉल कीजिए, वो फ्रॉड है। और इसमें जुड़ने और जोड़ने का, सिर्फ और सिर्फ जुड़ने और जोड़ने का काम है और बाकी कुछ नहीं है। हम जब जुड़ेंगे तो हमारे सारे के सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। आप आजकल लोग टीवी ज्यादा देखते हैं तो मैं कहती हूँ आप डिस्कवरी पर देखो, डिस्कवरी पर वाइल्ड लाइफ का दिखाते हैं, उसमें देखो एक शेर का शिकार भैंसा कर लेता है, तो वो कहते हैं हाँ ये बात ठीक है, तो उनको सब बातें समझ आ रही है कुल मिला के ये है। लेकिन आज की हमारी जो स्थिति है, कोई भी अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आना नहीं चाहता, जबकि अभी तो फिजिकल मीटिंग होनी शुरू नहीं हुई है, अभी तो हमारे जो भी जितनी फिजिकल मीटिंग हुई है कुल मिला के इतनी ज्यादा नहीं हुई है कोरोना करके, या जो ये महामारी पेंडिक महामारी जो बना रखी है नहीं, उसको करके हम फिजिकल मीटिंग इतनी नहीं कर पा रहे। सिर्फ और सिर्फ अब जूम ऐप पे जो जुड़ना और जोड़ना है ये कंटिन्यू अगर जारी रहता है, रहेगा आने वाले समय में, तो हम इसमें सफल हो सकते हैं और होएंगे। और मेरा यही विश्वास है कि जैसे जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, तो और जिद है जुड़ने की और जीतने की, तो संगठन वालों को भी हम भी यही कहेंगे कि पैसे देंगे तब, इकट्ठे होकर आओगे जब। और ये 6,743 जातियों को जो बाबा साहब ने तीन उसमें बांटा था SC ST OBC में, तो ये जब तक ये SC ST OBC अपने आप को एक नहीं करेंगे तब तक हमारी मुहिम चलती रहेगी, और हम कम से कम 30 करोड़ जो SC ST है वो एक हो जाएंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। और सुधीर सर जो इतने अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं हमें, जिनका मतलब भी नहीं पता था, जबकि मैंने संस्कृत से कर रखी है, मुझे भी नहीं पता था इन चीजों का, जैसे भात भरना, कल ही बताया उन्होंने कि भात का मतलब क्या है, गड़ी और गड में क्या डिफरेंस है, और गण जन गण मन, इन सब चीजों का जो इतने डीपली हमें नॉलेज मिल रही है, उन सब का बहुत बहुत साधुवाद इस पोर्टल के माध्यम से मैं करना चाहूंगी। और आज जो मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मेरी जबकि तैयारी नहीं थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने जो मुझे मेरे मन में आया जा रहा है वो मैं बोलने जा रही हूँ। और दूसरा तथागत, मैं एक बात और रखना चाहूंगी, तथागत गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि उन्होंने सबसे पहले, जैसे मैंने पहली बार मैंने खुद भी ये सुना डॉक्टर लाल सिंह साहब से, कि H2O दो मात्रा हाइड्रोजन और एक मात्रा ऑक्सीजन की मिलने से पानी बनता है, ये H2O का फॉर्मूला शायद हमने 8वीं या 7वीं 8वीं पढ़ा होगा, जबकि हम भी भूल जाते हैं इन चीजों को। तो मैं इस H2O के फार्मूला से मुझे समझ आया कि दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। उस दिन से मैंने अपने आप में परिवर्तन बहुत ही ज्यादा पाया, और मैं भी आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। जोड़ना और जुड़ना ही हमारा एक तरह से अपने आप में क्रांतिकारी काम होगा। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी, जुड़ेंगे जोड़ेंगे, जिद है जुड़ने की। सभी को नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय श्री। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है
उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु।